या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता नमस्तस्य नमो नमः। नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रोलॉजी प्रो लोहनी ज्योतिष यूट्यूब चैनल आपका पुनः से हार्दिक स्वागत करता है। दोस्तों, नवरात्रि के पावन अवसर पर मैं यही माता रानी से प्रार्थना करता हूँ कि आप लोगों पर हमेशा कृपा बनाए रखें। दोस्तों, नवरात्रि के प्रथम दिवस पर जो मेरे द्वारा वीडियो बनाई गई थी, आप लोगों की उसमें बहुत अच्छी प्रतिक्रिया मिली है, इससे मेरा काफी उत्साह वर्धन हुआ है। और दोस्तों, आप लोगों से मैं आगे आने वाले भविष्य में जितनी भी वीडियो आती हैं उन पर इसी तरह की प्रतिक्रिया की उम्मीद रखता हूँ। दोस्तों, आप लोगों से भी मैं एक विनती करता हूँ, अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके किसी विषय से संबंधित कोई सब्जेक्ट चुनूं जिस पर मैं चर्चा करूं, आप बता सकते हैं। आप जरूर मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं उस विषय पर जरूर चर्चा करूंगा, उसी विषय पर एक बहुत बढ़िया वीडियो पहुंचाऊंगा, जिससे आप उससे अपनी कुछ परेशानियों का उपाय ढूंढ सकें, उन्हें समाप्त करने के लिए कुछ उपाय कर सकें। दोस्तों, आप जरूर एक सुझाव जरूर दीजिए कमेंट बॉक्स में। दोस्तों, आज का हमारा विषय रहेगा मंगल ग्रह। आज हम मंगल ग्रह से संबंधित कुछ लक्षण आपको बताएंगे जो व्यक्ति में जरूर दिखाई देते हैं, लेकिन एक मंगल ग्रह ही क्या, उसके अलावा भी सूर्य हो, चंद्र हो, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, हर एक ग्रह, चाहे वो कोई भी हो, हर एक ग्रह के अलग अलग लक्षण हमारे जीवन में दिखाई देते हैं, लेकिन हम लोग अपने बिजी शेड्यूल के कारण उन चीजों को गौर नहीं करते। लेकिन अगर हम उनमें गौर कर लें और उन्हें समझ लें और उनके कोई छोटे छोटे उपाय कर लें, तो उससे आगे आने वाले समय में परेशानियां खत्म हो सकती। और यह उपाय कोई बड़े उपाय नहीं, एक छोटे मोटे परिवर्तन करने से हमारे जीवन में चल रही समस्याओं का अंत हो सकता है। तो दोस्तों, अभी इतनी डिटेल में न जाकर आज के अपने विषय पर फोकस करते हैं, और मैं आपसे वादा करता हूँ कि आने वाले भविष्य में इन सब ग्रहों के लक्षण, जिनमें से चंद्र ग्रह का मैंने बता दिया है और उसके अलावा जो अन्य ग्रह जैसे सूर्य, मंगल पर आज चर्चा होगी, और बुध, गुरु, शुक्र, शनि, इन सब पर चर्चा कर एक वीडियो बनाऊंगा और वो आप तक पहुंचाऊंगा। तो आज का हमारा विषय मंगल ग्रह की बात करते हैं। मंगल ग्रह के जो लक्षण हमारे जीवन में दिखाई देते हैं उस पर आज चर्चा करेंगे, और उसके उपाय हैं जिन्हें हम करके अपने जीवन में पूरी तरह से खत्म तो नहीं कर सकते, लेकिन कुछ हद तक उन्हें कंट्रोल किया जा सकता है, जिससे आगे आने वाले समय में परेशानियां कम रहती हैं। दोस्तों, हम हर ग्रहों की खराब स्थिति के बारे में अपने दैनिक जीवन में आने वाले कुछ लक्षणों से पता लगा सकते हैं, लेकिन हम उस चीज पर उतना गौर नहीं करते। लेकिन मैं आगे आने वाले समय में हर एक ग्रह और उनके लक्षणों के बारे में आपको बताऊंगा, जिनमें से चंद्र ग्रह के बारे में मैं बता चुका हूं और मंगल ग्रह पर आज चर्चा है, बाकी बचे हुए ग्रहों पर मैं आगे आने वाली वीडियो में आपको बताऊंगा। तो आज जो चर्चा का विषय वो मंगल है, तो मंगल ग्रह के विषय पर आज हम चर्चा करेंगे। अगर लक्षण की बात करें तो अगर किसी व्यक्ति के जीवन में उसकी स्वास्थ्य को देखें, तो उसमें अगर हाई ब्लड प्रेशर रहता है तो उस व्यक्ति को समझ लेना चाहिए कि उस व्यक्ति का मंगल कुंडली में सही स्थिति में नहीं है। या अगर शादी के उपरांत जब बच्चे का जन्म होता है और उसके तुरंत बाद उसकी मृत्यु हो जाती है, तो यह भी खराब मंगल को दर्शाता है। जो तीसरा लक्षण जो है वह है बड़े भाई के साथ अक्सर विवाद रहता है, यह मन मुटाव रहता है, रिश्ते में खटास रहती है, इस तरह की अगर कोई भी दिक्कत होती है तो समझ लीजिए मंगल की स्थिति सही नहीं है। घर में संपत्ति का विवाद रहता है, यह भी खराब मंगल का सूचक है। संपत्ति पर किसी और का कब्जा हो जाता है, यह भी खराब मंगल का सूचक है। खून से संबंधित कोई भी बीमारी होती है तो यह भी खराब मंगल का ही सूचक है, चाहे फुंसियाँ निकलना, दाने निकलना, चाहे जो भी हो, यह सब खून से संबंधित बीमारियां ही हैं। घर की दीवारों पर दरारें आ जाना, यह भी खराब मंगल का सूचक है। अगर दोस्तों यह जो मैंने लक्षण बताए इनमें से अगर एक भी लक्षण आपके जीवन में है
तो आप समझ सकते हैं कि आपकी कुंडली में मंगल की स्थिति सही नहीं है। तो आप उन्हें सही करने के लिए कुछ उपाय कर सकते हैं, जिन्हें करके आप मंगल को बहुत हद तक अपने अनुकूल बना सकते हैं। और यह उपाय जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, यह कोई बहुत बड़े उपाय नहीं है, छोटे मोटे उपाय हैं जिन्हें आप करके, नित्य करके इन्हें सही कर सकते हैं। जैसे प्रथम उपाय, पहला जो उपाय है वह आप मूंगा का धारण, आप मूंगा को धारण करके मंगल की खराब स्थिति से बच सकते हैं। उसके जो खराब प्रभाव आपकी जीवन पर आते हैं उससे आप बच सकते हैं। मंगलवार के दिन मूंगा का धारण करना चाहिए, जिससे मंगल की स्थिति को सही किया जा सकता है। इसके अलावा अगर आप यह नहीं कर सकते तो आप नित्य हनुमान चालीसा का पाठ, यह एक फ्री का उपाय है, जिसे आप करके खराब मंगल, खराब शनि, खराब राहु, खराब केतु, इन चारों ग्रहों से बच सकते हैं। तो यह हर व्यक्ति को हनुमान चालीसा का पाठ नित्य करना चाहिए, जिससे इन चारों ग्रहों, मंगल के साथ साथ इन तीनों और ग्रहों को भी सही किया जा सकता है। और अगर मैं तो ये बोलता हूँ, अगर किसी व्यक्ति के जिंदगी में कोई ग्रह खराब नहीं भी है, तब भी उसे नित्य हनुमान चालीसा का पाठ जरूर करना चाहिए, जिससे ग्रहों को और बलवान बनाया जा सके, और बलवान बनाया जा सके और वह शुभ फल दे। तो इसलिए दोस्तों हनुमान चालीसा पाठ अति आवश्यक है। दोस्तों यह थे मंगल ग्रह के कुछ लक्षण और उन्हें सही करने के कुछ आसान उपाय। दोस्तों यदि मेरा वीडियो आपको पसंद आया है तो आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो। और दोस्तों अपनी परेशानियों के बारे में जानकारी, उन्हें समाप्त करने के सुझाव व उपाय और कुंडली बनाने के लिए कमेंट बॉक्स में लिखकर या मेरे व्हाट्सएप नंबर 8218960673 पर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।